अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ सजाद अली ख्वाजा। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक दूसरा फ्रेश वीडियो लेकर आए हैं। जो होता तो स्टार्टिंग में है लेकिन हमने बीच में कर दिया, तो आइए आप इसे देखें, एंजॉय करें। तो किसी जनरेटर, डीजल इंजन हो या पेट्रोल इंजन, जहाँ कोई भी बड़ी इंजन हो, ख़ास तौर पर ये एयर क्लीनर वो है, एयर फिल्टर वो है जो हम बड़ी इंजन के इंजन में लगाते हैं, डबल एयर फिल्टर होता है, इसको साफ़ करना अच्छी बात है। एयर फिल्टर का काम ऐसे होता है, जैसे इंसान नाक से हवा लेता है, हमारे नाक के अंदर बाल होते हैं, उसी तरह एयर क्लीनर के अंदर भी फोम लगा होता है, उसको क्लीन करने के लिए कि फ्रेश एयर अंदर इंजन में कैसे जाती है, क्योंकि हमारे लिए भी साफ़ हवा होना लाजमी है माहौलियाती, और इंजन के लिए भी जो फ्रेश एयर है वो उसका अंदर जाना लाजमी होता है। आइए देखिए कि हम एयर क्लीनर को किस तरीके से वाश करते हैं। ये डीजल इंजन का एयर फिल्टर है। ये हीनो, मस्तुबुशी, टोयोटा आदि की जो इंजन होती हैं, बड़ी बड़ी इंजन में इस तरह के फिल्टर लगते हैं। इसको हम हाथ से ओपन करेंगे, इसमें कोई स्क्रू ड्राइवर या पानी वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हवा की ज़रूरत होती है जो हम इसे साफ करते हैं। इस तरीके ये टैप लिखा होता है, टैप का जो हिस्सा होता है ऊपर होता है, ये नीचे जो आप रबर देख रहे हैं, जब इसके अंदर मिट्टी ज़्यादा हो जाती है, डस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ से ये बैग हो जाती है, टन हो जाती है। इस तरीके से हम इसको आउट करेंगे। ये इसका कवर है फिल्टर का, इसको यहाँ रखेंगे। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कि ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर को हम इसी तरीके से ओपन करेंगे, इसमें किसी रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे हम खोलते हैं, ये बाहर आ गया और ये इसका फिल्टर आराम से बाहर हम निकाल रहे हैं। ये है इसका एयर फिल्टर डीजल इंजन का, और ये इसके अंदर और भी एक एयर फिल्टर है साथ में, ये दो लगते हैं अंदर। जो जैसी जैसे कि इंजन हैवी होती है, खासतौर पर जो रेत में इंजन चलती हैं, रेत ज़्यादा पकड़ती हैं, सेक्शन को ज़्यादा करती हैं, और ये हाई कंप्रेशन इंजन है, तो हाई कंप्रेशन इंजन जैसे चलती है तो उसको एयर की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जब वो एयर ज़्यादा रहती है तो उसको रेत अंदर सेक्शन हो जाती है, तो उसके लिए इसको दो फिल्टर लगाए हैं। ये देखो दोस्तों, इसको ये दो फिल्टर लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, एयर प्रोटेक्शन के लिए। ये इसके दो फिल्टर हैं, ये इसका अंदर वाला फिल्टर है और ये जो इसका है बाहर वाला फिल्टर है। दोनों फिल्टर हम मैंने आपके सामने रखते हैं, तो इसको हम अंदर से देखेंगे अच्छे तरीके से। इसमें ये डस्ट लगी हुई है, ये डस्ट है बिल्कुल, डस्ट लगी हुई है, इसको हम अच्छे तरीके से पाकर लगाएंगे अंदर से, अच्छे तरीके से इस तरह कपड़ा लगाएंगे, साफ़ करेंगे। ये साफ़ हो गया माशाल्लाह, अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर दिया। और उसके बाद ये फिल्टर को हवा लगाना ज़रूरी होती है, क्योंकि जो इसमें रेत या डस्ट वगैरह होती है उसको निकालना होता है। तो ब्लोअर की मदद से हम इसके साफ कर दिया हमने, उसी तरीके से इसको हम वापस लगाएंगे। इसका जो खुला हुआ तरफ होता है मुँह वो अंदर डालते हैं हम, और जो बंद वाला होता है नट वाला साइड वो बाहर की तरफ होता है। इस तरीके से हम इसको अंदर डालते हैं। नाजरीन, ये इनर फिल्टर लगाया आपने, ऊपर से वाशर लगेगा, वाशर के ऊपर एक नट लगेगा। इस तरीके से इसको भी हाथ पर हाथ से बांध करते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, नॉर्मल से उठाएंगे। ये फिल्टर जो उसके ऊपर दूसरा फिल्टर होता है, मेन फिल्टर होता है, वो प्रोटेक्शन वाला अंदर से देखा आपने, उसके ऊपर हम इसके भी इसको भी उसे दूसरे तरीके से हम ब्लो लगाएंगे। इस तरीके से ब्लो लगाना जरूरी होता है। अच्छे तरीके से हम इसको हवा लगा दें। ये फिल्टर है, बाकी जो ये इसका होता है वो सेंटर करने के लिए होता है कि फिल्टर यकसां सेंटर में बैठ जाए, ये उसके लिए ये प्लास्टिक का कवर लगा होता है ऊपर से कि सेंटर में बैठ जाए और सामने अच्छे तरीके से बैठ जाए। इसे हम इस तरीके से अंदर डालेंगे, इसी तरीके से हमने इसको अंदर डाल दिया आपने देखा। अच्छे तरीके से इसका जो नट है हम इसे नट वो लगाएंगे, स्क्रू यहाँ से कि ये बंद हो जाए। ये इसका बोल्ट है, इसको बोल्ट हम इसे यहाँ पर लगाएंगे, इसी तरीके से हम इसको बंद कर रहे हैं हम एयर
विश्वास कर कि हम इसको बंद करके अच्छे तरीके से ये अंदर की साइड ये फिल्टर जो है होल्ड हो गया, और उसके बाद उसी तरीके से हम इसको वापस इसको भी कपड़ा लगाएंगे, वाश करेंगे। वाश करके इसी तरीके से इसे टॉप लिखा हुआ है, टॉप की साइड ऊपर करनी है हमें इस तरीके से। ये इसको रबर को नीचे करना है, मुंह इसको नीचे करना है, क्योंकि जो डस्ट होती है तो डस्ट बैक की तरफ नीचे चली आती है। ये इसका फाइनल हो गया। हमने ऐसे तरीके से आपको खोल के दिखाया, हवा लगा के, कि आप हेवी इंजन का एयर फिल्टर खोलना और बंद करना सीख लिया। हम उम्मीद रखते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी, और ये दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।